अभी सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले से जमकर वायरल हो रहे सारस और एक इंसान की प्रेम कहानी, जिसका वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर भी डाला था, आपने भी देखा होगा। सारस पक्षी की प्रेम कहानी जो उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में था, मोहम्मद आरिफ के पास था। आज उसे मोहम्मद आरिफ से वन विभाग की एक टीम आई और उन्होंने मोहम्मद आरिफ से उस सारस को अपने पास ले लिया। सरकारी दस्तावेजों पर आरिफ ने साइन किया। क्या हुआ पूरा घटनाक्रम, कैसे लिया उन्होंने सारस पक्षी को अपने अंडर में, अब लोग बता रहे हैं कि ये पक्षी घने जंगलों में जहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं वहाँ पे खुले में विचरण के लिए छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल इस पूरी प्रेम कहानी पर अब पूर्ण रूप से विराम लग गया है। अब देखना है कि आने वाले समय में क्या ये सारस पक्षी वापस दोबारा आरिफ के पास आता है या नहीं आता है, इसकी पूरी प्रेम कहानी क्या रहेगी वो जानेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल आज जिस समय सारस पक्षी को वन विभाग ने अपने अंडर में लिया उसकी सारी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। आप ही उसी में बैठेंगे Thank you.